ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ही हो या शिवराज सरकार में घोटाला दर घोटाला हो रहे हैं। वजह यह है कि कहो न कहो कुछ ऐसा मामला सामने आबत थे जो जांच के विषय बन जाते और साधारण घोटाला नहीं एक ऐसा घोटाला बताओ जो यह शिवराज सरकार के नींव हलाए भी और हलायन है। काहे कि सवाल लोगन के जीवन से जुड़ा है, लोगन के रोजगार से जुड़ा है या व्यवस्था से जुड़ा है। काहे कि अबे हाल ही में शिक्षक मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है वो में एक बड़ा घोटाला हो गया जोने में 80 उम्मीदवार के खिलाफ जो है FIR के आदेश जारी किए गए हैं। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जने का प्रोग्राम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी और बेहद जरूरी खबर के जहाँ टॉप चेक बता दी। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हो या कुछ हो कार्यवाही के शिकार हमेशा उम्मीदवार होते हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाला में 80 उम्मीदवारों के खिलाफ FIR के आदेश जारी हो गए हैं। ये में 60 स्कूल शिक्षा विभाग और 17 ट्राइबल डिपार्टमेंट में नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। 3 उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट में ओवर राइटिंग है ही जाँच की जा रहा है और यह सर्टिफिकेट कूट रचित है कि नहीं। हालांकि अभी तक वह डॉक्टर से पूछताछ नहीं भय जेके द्वारा अपने पद के दुरुपयोग करके रिश्वत के बदले दिव्यांगता के सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। अपना प्रत्येक बता दी कि यह बेहद हाई प्रोफाइल मामला बना जा रहा है। उल्लेखनीय यह है कि अब पूरे मामला के खुलासा एक उम्मीदवार के द्वारा भोपाल समाचार .com जो एक पोर्टल है ओमर किंगा बतावा यह रहा कि दिव्यांग कोटा में आरक्षित 755 पदन में 450 मुरैना जिला से हैं। एमा ज़्यादातर के दिव्यांगता सर्टिफिकेट हाजिरा ग्वालियर और मुरैना से बनवाए गए हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा लगातार यह मामला मक्का फर्जी सर्टिफिकेट कह के पुकारा जा रहा जबकि यह फर्जी सर्टिफिकेट के मामला नहीं आए। जितने दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाए हैं सब असली आए, डॉक्टर के द्वारा सिग्नेचर ओरिजिनल आए लेकिन रिश्वत ले के बनाए गए हैं। एक एक खातिर जितना उम्मीदवार जिम्मेदार है उससे कहूँ ज़्यादा डॉक्टर जिम्मेदार है। अपना प्रत्येक बता दी ग्वालियर चंबल संभाग सहित टीकमगढ़ छतरपुर जिला के बहरे माँ जो है बहरा या फिर कम सुने के दावा करे वाले लोगन के जांच खातिर सरकारी अस्पताल में कौनों ऑडियोलॉजिस्ट के पद जो है नहीं आए। एक चलते बैरा और ऑडियो मैट्रिक के जाँच खातिर जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र का ग्वालियर के JAH जो है मतलब जया रोग चिकित्सालय भेजे के पड़त है। वहाँ से ऑडियोमेट्री और बैरा रिपोर्ट जो है आवेदक द्वारा बोर्ड के सामने पेश की जाता है। बोर्ड के द्वारा यह जांच रिपोर्ट के प्रमाणीकरण करवाए बिना विकलांगता प्रमाण पत्र जारी कर देंगे और कहा यह जाता है कि यह लूप के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनावे में उपयोग किएगा। जांच में तथ्य सामने आए हैं कि कुछ टीचरन के द्वारा खुद से तैयार किए गए ऑडियोमेट्री और बैरा रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड से दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल कर ली और प्रारंभिक जांच के सामने आवा है कि यह तरह की रिपोर्ट 15,000 से 20,000 रुपया में तैयार हो जा रही थी। निश्चित तौर पर एक बेहद गंभीर मामला जो विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाए के मतलब एक नीक सूख बनाई विकलांगता प्रमाण पत्र कहकर आरक्षित सीटन पर जो है नौकरी पाए गए। जब ये पूरा मामला के खुलासा भा तो वास्तव में शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। वजह यह है कि यह में यदि आरक्षित कोटा में पैसा लेके डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दीन गए लेकिन सबसे बड़ी बात कि वह डॉक्टर के द्वारा जो उन लालच के चलते या एक गलत काम किएगा एक फर्जीवाड़ा किएगा घोटाला किएगा या वास्तव में बेहद बड़ा घोटाला है और यह पूरे मामला में 80 लोगन का बेदोषी पावा का है जोने में FIR के निर्देश जारी कर देंगे। तो अपन अपने परिवार के रक्का बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है
बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004167 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौज तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,